साहब कहेंगे तेरा नाम सच्चा। नाम सच्चा कब होता है? नाम की इतनी महिमा क्यों है? जरूर कोई काम किया होगा। एवरीवन विल से योर नेम इज ट्रू। व्हेन इज द नेम ट्रू? व्हाई इज द नेम प्रेज्ड सो मच? सर्टेनली सम एक्ट हैज बीन परफॉर्म्ड। तेरा नाम सच्चा, जरूर उसका काम सच्चा होगा। वो सच खंड की स्थापना करने वाला सत्य साईं बाबा, सत्य साईं बाप इस सृष्टि पर आ चुका है। योर नेम इज ट्रू, सर्टेनली His act will be true, that Satya Sai Baba, Satya Sai Bap, who establishes a land of truth, has arrived in this world. लेकिन गीता में कहा हुआ है कि मैं जिस साधारण तन में आता हूँ, मुझे साधारण तन में आए हुए मनुष्य के रूप में भगवान को मूढ़मति लोग नहीं पहचान पाते। But it has been said in Gita, I come in an ordinary human being, but foolish people cannot recognize the God who has come in an ordinary human being. वो उसे जान से मारने के चक्कर में रहते हैं, जैसे धर्म पिताओं की जिंदगी में भी ऐसे ही हुआ। They are on the lookout to kill him. For example, the same thing happened in the life of religious fathers also. चाहे इब्राहिम हो, चाहे क्राइस्ट हो, क्राइस्ट को सूली पर चढ़ा दिया, महात्मा बुद्ध को देश निकाला दिलवा दिया, मोहब्बत की दुर्गति करवाई। वेदर इट वॉज अब्राहम और क्राइस्ट, क्राइस्ट वॉज हैंग्ड ऑन द क्रॉस, महात्मा बुद्धा वॉज बैनिश्ड फ्रॉम द कंट्री, मोहम्मद वॉज ऑल्सो गिवन अ बैड ट्रीटमेंट। तो उन धर्मों में भी जो धर्म पिता आए, उनको भी इस संसार में आकर के ठोकरें खानी पड़ती हैं, लंबे समय तक ठोकरें खानी पड़ती हैं। सो ऑल दीज रिलीजियस फादर्स हु केम इन दोज रिलीजियंस हैड टू फेस ऑब्स्टिकल्स आफ्टर कमिंग इन टू दिस वर्ल्ड, दे हैव टू फेस ऑब्स्टिकल्स फॉर अ लॉन्ग टाइम। बाद में उन धर्मों का बाल वो विकास होता है, नाम वाला होता है। लेटर ऑन देयर रिलीजियंस डेवलप एंड दे बिकम फेमस। ये तो गुप्त रूप में परमात्मा इस सृष्टि पर आया हुआ है। जब पांडव गुप्त थे तो पांडवों को चलाने वाला भगवान कितना गुप्त होगा। सुप्रीम सोल हैज कम इन टू दिस वर्ल्ड इन एन इनकॉग्निटो फॉर्म। व्हेन द पांडवास वर इनकॉग्निटो, देन द गॉड हु डायरेक्ट्स देम विल ऑल्सो बी वेरी मच इनकॉग्निटो। उसका ज्ञान कितना गुप्त होगा। इसलिए गीता में कहा हुआ है कि मैं जो गुह्य ज्ञान सुनाता हूँ उसको बुद्धिशाली आत्माएं, जो बुद्धिमान बाप के बच्चे हैं, वो समझते हैं। His knowledge will also be so incognito. That is why it has been said in Gita, intelligent souls who are the children of intelligent father will understand the deep knowledge that I explain. Shraddhavan labhate gyanam, jinki buddhi mein shraddha vishwas bhara hua hai wohi is gyan ko samajh sakte hain. It has been written, shraddhavan labhate gyanam, those whose intellect is full of devotion and faith will only be able to understand this knowledge. अंध श्रद्धा अंध विश्वास के आधार पर चलने वाले ईश्वरीय ज्ञान को नहीं समझ सकते। Those who follow the path of knowledge on the basis of blind faith cannot understand this godly knowledge. ओम शांति।